मार्च खत्म होने को आया मगर कनाडा में अभी बर्फ पिघल नहीं रही है। मैं अपने घर से मगर अब निकलने लगा हूँ बड़े जरूरी काम के लिए, क्योंकि जाना है वायर पेमेंट कराने के लिए, मोटर होम फाइनल हो गया, उसकी डाउन पेमेंट देने। मोटर होम जो फाइनल किए हमने, फाइनल कर लिया हमने उसको, यूएसए से पिक करना है मगर उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट डालना है उसके ऊपर जब तक बाकी सारे पैसे उसके अरेंज होते हैं, ताकि उसका पेपर वर्क शुरू हो चुके हो सके, और वो है $3,000। और बहुत ही महंगी पड़ने वाली है ये आइटम हमें, मगर मैं इसको ऐसे तरीके से परचेज कर रहा हूँ जो आप भी अगर सुनेंगे तो एक बार को दिमाग में चक्कर खा जाएगा, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पे रेजिडेंट नहीं हूँ, टूरिस्ट हूँ, हूँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर, टैक्स इंडिया में भरता हूँ और मोटर होम खरीद रहा हूँ अमेरिका में, सब कुछ अपने नाम पे मगर बिना कोई टैक्स पे किए। और वो कैसे हमने सारा हिसाब किताब बनाया अपने आप में, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च बहुत चल रही थी इतने टाइम से, तो इसलिए मैं रेगुलरली वीडियोस भी नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं बहुत सारे वकीलों को, लॉयर्स को, सीएस को फोन करके पता करना पड़ा कि क्या प्रोसेस रहेगा कि मैं एक गाड़ी हिंदुस्तानी टूरिस्ट होते हुए अमेरिका में अपने नाम से खरीद पाऊं और उसके बाद उसको इंश्योर भी करवा लूं, क्योंकि गाड़ी खरीदना अलग चीज है, उसको रजिस्टर करवाना अमेरिका में अपने नाम से और उसको खरीद पाना, ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके हमने क्या रास्ते निकाले हैं वो सारे आगे की वीडियो में आ जाएंगे, मगर अभी बस डिपॉजिट करा दो तो उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारा मोटर होम सिक्योर हो जाएगा और फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और जी जहाँ का मैं रहा हूँ अपने बैंक यानी कि कनाडा में भी टूरिस्ट होते हुए आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा मगर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और यहाँ के आप बाशिंदे भी नहीं है कि भी क्रेडिट कार्ड पे उधार लेके कोई बंदा भाग जाए तो उसको कहाँ ढूंढेंगे। तो उसमें अपने बैंक जा रहा हूँ ताकि यहाँ से जो है पैसे भेज सकूं, और जब मैं इंडिया से आता हूं यहां पे तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को अपने इंडियन डेबिट कार्ड से खर्चा करके कन्वर्जन ना पे करनी पड़े, उस कन्वर्जन के ऊपर जीएसटी टैक्स वगैरह ना पे करना पड़े, तो मैं एक ही बार सही रेट बैंक से बुक करा के कनाडा के अपने अकाउंट में पैसे डाल देता हूं और फिर यहां पे आके लोकल डेबिट कार्ड यूज करता हूं पेमेंट के लिए। और ये सब आप भी कर सकते हैं अगर एज अ टूरिस्ट आए। ये आ गया जी बैंक, भी देखो टीडी बैंक है। बैंकों की फीस बहुत होती है यार, यहाँ पे भी वायर ट्रांसफर कराई है ना तो उसके पैसे जो दिए हैं मैंने $3,000 लगभग $4,200 के आसपास बन गए, और जो फीस लगी है $50 सिर्फ बैंक वायर भेजने की फीस है, और ये कभी भी रिसिपिएंट बर्दाश्त नहीं करता, अपनी कोई करनी पड़ती है। हाय, सो आई जस्ट मेड द वायर ट्रांसफर। यस, आई रिसीव्ड इट। परफेक्ट। आई विल बी ऑफ लाइक आई सेड टुमारो एंड फ्राइडे। राइट। क्रिस विल बी हियर, सो आई विल कम्युनिकेट विद हिम एट साउथवेस्ट टुवर्ड क्वींसडेल एवेन्यू। अब जी मैं यूपीएस स्टोर जो आपको पीछे दिख रहा है, वजह ये है कि अमेरिका में एक वकील के पास मेरे को 5-7 डॉक्यूमेंट भेजने हैं जो मैंने यहाँ पे कल नोटराइज करवाए थे, और ये सारा प्रोसेस मोटर होम लेने के लिए ही हो रहा है, बट डिटेल जब पूरा ले लूँगा कर लूँगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तब बताऊँगा ना, और फेल भी होगा तो भी बता दूंगा किस वजह से हुआ है, बट जब पूरा हो जाएगा तब सेंस बनेगी बताने की। खर्चे शुरू हो गए जी मोटर होम के जो किसी खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि सही $50 और लग गए हैं, $100 की ठोक लगी गई, ₹6,000 से दो काम हो गए, वायर कराना और कोरियर, पर ये काम बहुत जरूरी है और ये कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे कम से कम भी अब ये मान लो नहीं तो कोई ₹10,00,000 बचेगा। माता जी से भी मिलने और खबर दे देना ये हो गया काम फाइनल। इतनी सारी घंटियां बजा दी आदत के मुताबिक, मैं तो भूल गया था भाभी जी की मीटिंग तो नहीं चल रही थी। पता नहीं मीटिंग है या नहीं है पर ऑफिस चल रहा है। ओहो, चलो वर्क फ्रॉम होम है ना, कभी कभी भूल जाता है बंदा। हाँ माता जी फिर मुबारक हो। उसका आर्मी की बयाना दे दिया आज, दे दिया चल मुबारक। मम्मी घबराई, भागे भरी हो है? भागे भरी हो और चलो ठीक है। कमाई का जो बचा कुचा हिस्सा था वो भी लगा दिया तूने, वो भी लगा दिया गया, मतलब वही लगा के काम करेंगे आगे। तो एक ही ऑप्शन थी मम्मी, या तो जो पैसा है वो डाउन पेमेंट देंगे, लोन ले, और जो अपना यहाँ पे जमीन खरीदी है इस पे या तो कंस्ट्रक्शन शुरू कराए, या अगर अभी इतना बड़ा नहीं बनाना तो कोई और ढंग का घर ले ले और वहां रहे। हम 2 महीने से ज्यादा किसी एक जगह पे टिकते ही नहीं, तो फिर इतना पैसा घर में क्या डालना, तो फिर जिस चीज में हम घूम सकते हैं जो हमारे काम में भी काम आए
और ग्रीन स्क्रीन वीडियो हम उसमें भी बना सकते हैं, तो उसमें पैसा डाला जाए और ढंग की एक चीज दी जाए जिससे पूरी दुनिया अच्छे से एक्सप्लोर करें, दुनिया घूमता रहेगा या घर वर भी बसाएगा। मम्मी आपके घर बसाने का मतलब है कि आप घर बैठे हो और घर में ही वीडियोस बनाओ और भी हफ्ते की एक आध, चाहे वो ग्रीन स्क्रीन टाइप हो इन्फॉर्मेशन वाली, और बाहर ट्रैवल शेवल कर दो बंद, बच्चे पैदा करो, गृहस्थ जीवन हो, यही है ना आपका मतलब? वो ठीक है, समझ आती है। हम दोनों को एक्चुअली घूमने का शौक भी है, मुझे और सैंड्रा को, और ये चीज़ जो है सारे हमारे शौक पूरे करते हुए हमें काम करने में बहुत अच्छा मदद करती है, ठीक है? तो इसलिए अभी फिलहाल ये विचार है, बाकी देखो क्या होता है, भगवान की मर्जी जैसे आगे करें। जितनी देर धूप होती है हाँ यहीं लेट जाती हूँ। वेरी गुड। माता जी देखो, माँ को तो टेंशन होती है, मम्मी आके कह रही है यार तू इतना महंगा मोटर होम लेगा 1.5-2 करोड़ के बीच में, जहाँ भी कोई भी जो पसंद करेगा, क्योंकि 4x4 मोटर होम सस्ते नहीं है। तो मम्मी कह रही इतनी तो कमाई नहीं है यार तेरी, तू इतना पैसा लगा रहा है, और क्या? है ना मम्मी? यही तो मुझे लगता है। देखो वो मोटर होम हमने कितने का लिया था पुराना? अरे वो पुराना ठीक है ना, वो सस्ता लिया था। मुद्दा तो करने दो पूरा, वो हमने लिया था $25,000 का और 10,000 उस पर और लगे थे, $35,000 का, ठीक है? और हमने उसको इतना चलाया, वीडियो बनी, सब हुआ, ले दिला के उसको कितने में बेच दिया, $18,000 में। और जो अब ले रहे हैं, अगर ये 1.5 करोड़ का भी आता है, 3 साल में अगर 1 करोड़ का भी आपका बिक गया, तो खर्चा तो सिर्फ आपका 50 लाख आया ना 3-4 साल। क्या पता इतना ये भी मैं भी, अरे बिक जाएगा आराम से, और ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। हाँ पता नहीं बिका, ऑडी को देखना कितने में गई, ऑडी जितने में गई वो तो यहाँ मेरे को बताते हो, भी घबराहट हो रही। और अगर आप उसको रेंट पे देते हो तो एक दिन का पता है कितना रेंट पे जाता है? $350 पर डे, क्योंकि शॉर्टेज है यहाँ पे मोटर होम की, तो लोग रेंट पे लेते हैं। जैसे एयरबीएनबी में लोग अपने घरों के कमरे जब वो यूज नहीं कर रहे होते, अपने घर नहीं यूज कर रहे होते ना, जैसे हमारी कॉटेज चढ़ी रहती है, वैसे मोटर होम भी देने का कारोबार है। हाँ कि आप दे सकते हो, कोई एक महीने के लिए ले गया तुम्हारे तो आ गए $10,000। बाकी फिर इसके अलावा हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम घूमना वूमना बंद कर देंगे, क्योंकि घूमना पाप पड़ता नहीं खाता, क्योंकि मैं अकेला कहीं जा नहीं सकता, फैमिली के साथ जाओ, दो बंदे भी मिनिमम जाए तो टिकटें होटल वगैरह कोविड के बाद से इतने महंगे हो गए हैं कि वो फिजिबिलिटी रही नहीं। क्या होगा, 1-1.5-2 साल इसको और ट्राई करते हैं, अगर कर पाए और प्रॉफिटेबल बना पाए, जो कि अब हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जब ये नई ट्रिप शुरू होगी तो हम सारा पूरा प्लान बना रहे हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे, क्या खर्चे हैं, फाइनेंशियल हैं, जाना और दोनों आना, दोनों हम सारा आपके साथ शेयर किया करेंगे पूरा, ताकि सब लोगों को पता लगता रहे कि भैया भाई खाता क्या चल रहा है, ठीक है ना? फिर मम्मी कह रही है ओहो कुछ तो इन्फॉर्मेशन घर में रहने दे। हाँ, तो खुला दरबार है, खुला दरबार होता है मम्मी, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो करते हैं। अभी ये पता थोड़ी है, पल का भरोसा थोड़ी है कि क्या हो आगे कैसा हो, तू दूर तक की सोचता है, खैर सोचनी भी चाहिए, पता तो मम्मी क्षण का नहीं है, पता तो, मगर प्लानिंग तो सालों की होती है ना, बाकी प्लानिंग भी कितनी सक्सेसफुल होती है कितनी नहीं, मगर बंदा जो बंदा मम्मी ख्वाब नहीं देखता ना, उसके ख्वाब कभी पूरे भी नहीं हो सकते। अब ये हम ग्रोसरी, और यहाँ पे ना रिसाइकलेबल सामान यानी कि गत्ता, प्लास्टिक, कागज़ वगैरह अलग से फेंकने पड़ते हैं, उनके लिए ये ब्लू बैग लगता है, रेगुलर गार्बेज के लिए तो ये काले बैग होते हैं, और अगर इसके अंदर आप रिसाइकल वाला सामान डाल दो $2,000 के फाइन हो सकते हैं अप टू। अब जी सीन ये है कि रात का टाइम है, मैं जा रहा हूँ मिस्टर अंगद सिंह के घर, क्योंकि उनके पास दो दो बाइक हैं, सबको पता है उनके पास इंश्योरेंस वगैरह सब है यहाँ पे, इंक्लूडिंग ड्राइवर लाइसेंस, और कनाडा में ड्राइवर लाइसेंस लेना जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो कोर्स होता है। इंडिया में तो जब मैंने जिस टाइम हमने लिया था, गाड़ी का लो बाइक का साथ मिल जाता था, तो इसीलिए वो प्रोसेस सारा समझना है, और उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पूरा प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए, तो वो सारा मैं उनके पास पूछने इकट्ठा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फाइनली बाइक का लाइसेंस कनाडा में लेना है, क्योंकि उसके बेस पर जो मैं इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस लूँगा वो ग्लोबली जो है मोस्ट केसेस में वैलिड होता है, क्योंकि फरीदाबाद से जो मेरे को ड्राइवर्स लाइसेंस मिलता है इंटरनेशनल परमिट, वो एक सिंगल पेज होता है, वो ट्रांसलेशन वाली बुकलेट नहीं देता, तो वो कई कंट्रीज में चलता नहीं है, तो इसीलिए यहां से बाइक लाइसेंस लेना है, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड ट्रिप होगी मोटर होम के पीछे, अगर एक मोटरसाइकिल ना बंदी हो और आप कहीं भी दुनिया में घूम रहे हो, चाहे वो स्विस एल्प्स हो या फिर आप लगा लो कि जापान के पहाड़, और उन पर मोटरसाइकिल ना चला रहे हो, तो मजा क्या आएगा जीवन में। ये काम हो रहा है और बाइक खरीदेंगे यहीं कनाडा में, उसके भी बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे बंदा टूरिस्ट होते हुए यूएस कनाडा वगैरह में बाइकें भी खरीद सकता है और टैक्स भी बचा सकता है। चढ़ गई बर्फ पे,
अब जी हम आए हैं सरदार जी के पास जैकेट्स वगैरह देखने के लिए, कह रहे हैं मेरे पास पड़ी है, अब तू क्या खरीदेगा, एटलीस्ट लाइसेंस के लिए जो है यहाँ से ले जा ताकि तेरा हो जाए, बाद में प्रॉपर गियर ले लियो। देख ले भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो मर्जी ले जा। ये मेरी दूसरी हाफ स्लीव है, ये शिविर के बोलेवार्ड की है, पूरी पैडिंग शेडिंग लगी हुई है अंदर। ये हार्ले डेविडसन की है, मेरे को मैंने विन करी थी। मैं ना टेस्ट की तैयारी कर रहा था, जो कि यहाँ पे थ्योरी टेस्ट पहले देना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो प्रैक्टिकल टेस्ट की क्लास लेने के लिए। थ्योरी टेस्ट लिया ना, तो उसमें मुझे पता लगा प्रैक्टिस में कि यहाँ पे कहते हैं कि ब्राइट चटकार रंग की जैकेट्स पहनो ताकि आपको स्पॉट करने में आसानी हो डे टाइम में लोगों को, आपके जो हेलमेट है वो भी शाइनी हो और चटकारे हो। ये देख ले हार्ली की, ये ब्रांड नहीं है, देख ले मैंने अभी तक पहनी भी नहीं तेरी की। इसके पैड पुट ढूंढ देता हूँ मैं, वहाँ सामने पड़े होंगे ठीक है सारे, ऐसा ही ट्राई कर ले तेरे को अगर आता है। अभी जाता हूँ, पागल है की है ना। I'm wearing papa's jacket. चल जाएगी। हाँ। बहुत परफेक्ट फिट है भाई। ये बहुत बढ़िया फिट है ये। हैं? डॉलर्स ओके? Very good. चलो ठीक है भाई। ओए जूते। Alpine stars. Nice. ये different gloves हैं। एक ये है। दो छोटे लग रहे हैं। पहन के देख ले। नहीं। हाँ। ठीक है, एक ये Harley Davidson वाले, वो भी brand new पड़े हैं। अच्छा। अभी तक पहने नहीं थे मैंने। वाह जी वाह। और ये हार्ली डेविडसन की जैकेट पैडिंग्स हैं। ओके। और ये स्पोर्ट्स बाइक वाले मोटरसाइकिल ग्लव्स हैं। देखो मेरी तो नॉलेज जो है ना बड़ी लिमिटेड है अभी राइडिंग वगैरह की, बस सीख रहे हैं मगर। वाह जी वाह पाजी, कमाल के तेरे। बड़ी मोटर बाइक नहीं थी। हाँ। मचाले टाइप। बाकी जी ग्लव्स पहन के देखें, मैं कहा ये मैच मुझ नहीं करेंगे, मगर फिट तो बहुत बढ़िया आ गए हैं। बस अभी अपनी गियर इकट्ठा करेंगे तो लेंगे बढ़िया बेस्ट इन क्लास। ये तो बहुत बढ़िया आ गया, इसकी फिटिंग ही कमाल है यार। तो राजी ये क्या आइटम है? ये अपना है जी, हेलमेट देगी पायलट हेलमेट। ये सही है, ये वाइजर्स पे ताकि बग्स बग्स ना लगे, धूप से लगे, सांस भी ले लो, सब कुछ हो जाए, धूप से बच भी गए, फिर ऊपर से वाइजर नीचे डाल लिया, वाह सब कुछ प्रोटेक्ट हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हेलमेट बहुत अच्छा है, ये LS2 कंपनी का। LS2 बहुत अच्छा वाइजर है, उसके ऊपर देख यहाँ पर हवा के वेंट के लिए भी सारा कुछ लगा हुआ है, पसीने पसीने नहीं आते अपने। गुड गुड। ये सिद्धार्थ जी की प्राइमरी जैकेट है, एथे पैड, एथे पैड, एथे पैड। अब मेरे को थोड़ी सी वो है, टाइट है, बट अदरवाइज आई थिंक आई विल, व्हेन आई बाय फॉर मायसेल्फ आई प्रोबब्ली बाय अ ब्लैक वन, यू डोंट लुक दैट सैड। चलो जी फाइनली सारा काम हो गया, हेलमेट वगैरह सब कुछ ले लिया, बस अब सिद्धार्थ जी के यहाँ से निकलने लगे हैं। वीडियो आपको ठीक ठाक लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, आगे बहुत सारे एडवेंचर आने वाले हैं जिसकी फुल तैयारी हम कर रहे हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा सब कुछ। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।